बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोरदार तरीके से, और मैं फिर से एक बार हाजिर हूं एक नए स्टार को लेके आपके सामने। और ऑब्वियसली स्टार इसलिए ऐड करूंगा क्योंकि जिनकी जर्नी रही है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो काफी अब इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट होना और कहीं ना कहीं वो एहसास डेवलप कर लेना कि नहीं सर, इस बार तो मुझे किसी भी कीमत में करना है, और ऑब्वियसली वो एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया है फिर से एक बार 10th अप्रैल के एनडीए एग्जाम को क्लियर करके। इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है उन सभी छात्रों के लिए जो ऑब्वियसली 4 सितंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन छात्रों के लिए भी जो ऑब्वियसली 10th अप्रैल को क्लियर करने के बाद पहली बार SSB फेस करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अमन आपका शो में, एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके पास डबल एक्सपोजर अच्छे हैं, आपके पास एग्जैक्ट SSB की पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस रहा, और ऑब्वियसली रिटन का भी एक्सपीरियंस बेहतरीन है, और रिटन में तो आप स्टार हैं ही, उसमें कोई क्वेश्चन का पॉइंट ही नहीं मेरी तरफ से, और आपके स्कोर तो हमेशा बेहतर है। लास्ट टाइम भी एयरफोर्स में आप चुने गए तो आपका स्कोर बेहतर था, दैट मींस में क्वेश्चन मार्क नहीं दे, और इस बार भी आपने कमाल किया ही होगा। तो चलिए कुछ पहले अपने विषय में बताएं हल्का फुल्का, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। सर मेरा नाम अमन सिंह राजावत है और मैं महाराजपुरा गांव से आता हूं, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यूपी में ही है, झांसी के पास में। और तो मैं जैसे 12th क्वालिफाई किया, उसके बाद जैसे आप लड़के लग जाते हैं अपनी अपनी जर्नी में, तो मैंने सोचा मैं तो मेरा तो सपना ही था बचपन से, क्योंकि मेरे गांव में बहुत से लड़के हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। हाँ, तो पहले स्टार्टिंग में लगा कि फौज सही रहेगा, गाँव में दौड़ें वहीं पढ़ाई करें, लेकिन सोचा नहीं बड़ा करते हैं कुछ। तो वहाँ से आए और भी कई कोचिंग्स में गए थे, जैसे कानपुर गए, लखनऊ गए ढूंढने, उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ लगा थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, तो मैंने सोचा यहीं MKC में पढ़ते हैं। और उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी में जो है वो भी हो गया था, मैंने सोचा इसी कोचिंग में पढ़ते हैं। बढ़िया। तो अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले आप नवंबर में अपीयर हुए एग्जाम के लिए कि अप्रैल वाले में अपीयर हुए? सर मैंने जनवरी में ज्वाइन की थी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं हो पाया था, तो मैंने सेकंड वाले को ही सोचा प्रेफर दिया आपने। तो 14 नवंबर का एग्जाम आपने बेहतरीन किया। इवन हाँ। अभी तक स्कोर तो नहीं आया है 2021 सेकंड का, बट क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या स्कोर आपने हिट किया था उस समय पेपर वन पेपर टू मिला करके? सर बताया हमने पहले भी कि शायद 500 से थोड़ा ज़्यादा था, 530 या 20 के करीब। बिल्कुल, अगर आपको एयरफोर्स की कॉल आई है तो बनारस बोर्ड आपको कॉल किया गया। ठीक है, तो पहली बार आप SSB देने गए। ITJEE का भी एग्जाम 20 दिया गया? नो सर, दिया ही नहीं। तो ये आपको पता था कि आर्मी TS एंट्री और नेवी TS एंट्री भी जो है एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? सर मुझे पता था, लेकिन मुझे लगता था शायद परसेंटेज मेरी इतनी नहीं अच्छी नहीं थी। कितनी परसेंटेज आपकी रही? 75 ही थी बस। ठीक है, 75 इज एनफ परसेंटेज टू गेट द कॉल अप फॉर द TS। अच्छा, ये जानकारी का अभाव हो जाता है। अभी अभी हमारा एक बच्चा TS एंट्री में रेकमेंड हुआ है। हाँ सर, अभी जस्ट हमने देखा, जस्ट ग्रुप में अपडेट किया हमने, एंड इट्स अ फील हैप्पीनेस ऑलवेज। अभी 10+2 नेवी टेक में इससे पहले रेकमेंड हुआ हर्ष पांडे जो है, तो मुझे लग रहा है कि TS एंट्री में भी हम लोग धीरे धीरे अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर दिए। NDA में तो हमेशा से कब्जा रहा है, बट ऑब्वियसली वी आर फीलिंग प्राउड कि हम TS एंट्री में भी जा रहे हैं। आपके माध्यम से हम गाइड भी करना, क्योंकि आप लोग एक टैलेंटेड छात्र हैं, जहां आप में पोटेंशियल था कि आप बिल्कुल TS के लिए भी क्या करते जाते, और एक ऑप्शन बढ़ा लेना बुराई नहीं है। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं, अभी आपसे पहले लक्ष्य का एग्जांपल देता हूं, लक्ष्य का यही हुआ, TS एंट्री गए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, कोई दिक्कत नहीं, बट 148 में क्या कर दिया, खुद को डन कर दिया, एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है। अभी उस दिन मैं एक बच्चे के साथ बैठा हुआ था, अभय के साथ, हिज फ्रॉम द उन्नाव एक्चुअली। यस सर, हां देखा, इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू आपने देखा होगा। तो अभय के साथ भी वही हुआ कि TS एंट्री में सर जो है गड़बड़ हो गया, बट सर अगेन 148 में सर कमाल हो गया। तो वो एक एक्सपीरियंस मिल जाने का फायदा तो होता ही होता है, लेकिन चलो भी आपके पास तो एयरफोर्स सेंटर का जो है एक्सपीरियंस है, दैट मीन एयरफोर्स बोर्ड का एक्सपीरियंस है, और बनारस बोर्ड में ही आप थे। तो हाउ वाज द जर्नी इन द SSB? SSB की जर्नी कैसी रही, कब डेट आपके SSB की लगी, कब गए, कैसे रहा, बताएं कुछ। सर 18 अप्रैल को थी डेट, तो स्क्रीनिंग हम हो गए, तो उसके बाद प्रोसेस चलती रही, इंटरव्यू हमारा काफी अच्छा गया जी। और हाँ, GTO में नॉर्मली था जी, साइक में भी अच्छी स्टोरी लिखी थी। तो कितने लोग रिपोर्ट किए थे वहां पे अमन? वहां शायद सर 240 के करीब। 240, कितने स्क्रीनिंग हुए थे? स्क्रीनिंग 66 हुए थे। फाइनली कितने रेकमेंड हुए बच्चा? 3 केवल रेकमेंड हुए। क्या क्या चेस्ट नंबर थे याद है? यस, एक का तो याद है जो हमारे ग्रुप से ही था, उसका 38 था, एंड 1 एंड 5। क्या बात है, चेस्ट नंबर दूसरों को याद हो गया। अच्छा अपना सुनाई दे तो कितना था, क्या चेस्ट नंबर आपका था? हमारा 30 था, और जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होती है उसमें 22 था। अच्छा 22 था, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस राउंड का आप हिस्सा रहे, तो एक आस तो यार बन जाती कि हाँ आई गेव माय बेस्ट सर, तो क्या कॉन्फ्रेंस में ऐसा थी कि मेरा भी चेस्ट नंबर आएगा? हाँ थोड़ा, मतलब जैसे धड़कनें बढ़ जाती हैं, शायद मेरा भी हो जाए। मेरा भी हो जाए, इस बार थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा है, क्योंकि लगता है कॉन्फ्रेंस तक पहुंच सकते हैं, तो इस बार तो कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अमन मैं आपसे कहना है, बिल्कुल बेटा आपकी जो पॉजिटिविटी, आई लव्ड इट, और मुझे लगता है यही एनर्जी जरूरी है मेरे बच्चा, क्योंकि लोग जो है डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, हर रिजेक्शन भी एक सीख है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप में डबल वाइब दिख रही है, इस बार तो आप मतलब फोड़ के आए हैं। बस मैं चाहता हूं कि ठाकुर सर की तरफ से फीडबैक मेरे को भिजवा दो कि सर ही इज अ श्योर शॉट रिकमेंडेड, कैप्टन सर की तरफ से मेरे को भिजवा दो, पांडे
सर की तरफ से मेरे को भिजवा दो, जब वो कह श्रेयांश सर की तरफ से भिजवा दो कि सर दिस कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट और ये होगा। और आपको पता है कि वो लिख के तभी भेजेंगे हर रिपोर्ट्स में जब वाकई में आप अपना बेस्ट देंगे बेटा। दैट मीन आपका OIR रैंक हमेशा 1 होनी चाहिए, आपको PPDT में नरेशन पार्ट कमाल का करना है, डिस्कशन भी अच्छा करना है, साइकोलॉजी का डोजियर जब खोले कोई आपका जो है ऐसे सरना बच्चा तो साइकोलॉजिस्ट को मजा आ जाए कि व्हाट आर रिटर्न स्ट्रेटजी फॉर द VAT SRT SDN फॉर द TAT स्पेशली। हम वो कहते हैं जब मजा आ जाए GTO के साथ इंटरेक्शन में कि सर कमाल का बच्चा था, और मॉक इंटरव्यू में वो कह दें व्हाट अ टैलेंट एंड दिस टाइम दिस मैच्योरिटी दिस नॉलेज फैक्टर यू नीड टू इंप्रूव, आपको उन चीजों पे काम करना होगा। तो फाइनली एग्जाम 10 अप्रैल को था, लकली ये अच्छी बात थी 18 अप्रैल को आपका SSB था, इसलिए मैंने वो चूज किया था कि लास्ट में करते हैं पहले जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आपने दोनों अपने प्लान बना के, क्या आपको पहले से पता था आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे? नहीं ऐसा तो पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ा काम करना होगा। ये रियलाइजेशन आपको अंदर अंदर आ रहा था कि जितना मेरे को बेस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये रियलाइजेशन आपको यहाँ पे भी मिला जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, आप बहुत सारे डिस्कशन में बैठते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट में बैठते हैं, PPDT राउंड यहाँ इतने सारे होते हैं, ग्रुप में लोग होते हैं, तो उनके बीच खुद को कैसा महसूस करते थे, क्या लेवल लगता था यहाँ का? पहले सर थोड़ा एवरेज ही लगता था, फिर मुझे पहले लगा कि इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँ 12th तक, तो इंग्लिश में 3 महीने लगातार बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े, टीवी शोज इंग्लिश में देखे, तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट तो आया धीरे धीरे, सैलरी डेवलप होना शुरू हुई। तो यहाँ का जो ग्रुप स्टैंडर्ड आपको मिला स्क्रीनिंग का, जो ग्रुप मिलता है MKC में और MKC के SSB प्रोग्राम में, वो स्टैंडर्ड आपको कैसा लगता है? बेहतर है सर जी, वो आपको रियल वाली फीलिंग देता है वहाँ SSB वाली? ऐसा लग, और भी लड़के जो अदर कोचिंग से आए थे वहाँ, तो लग रहा था मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी दम रखता हूँ। तो बेसिकली इस बार आपने 10 अप्रैल को एग्जाम दिया, तो कितना स्कोर इस बार हम लोग एक्सपेक्ट करके चले? इस बार हाँ सर जोड़ा था 540-530 ऐसा कुछ। क्या बात है, तो माई थिंक अमन दिस इज द बेस्ट स्कोर। अब बस थोड़ा सा SSB में एफर्ट लगाने की जरूरत है बच्चा, और इस बार जान झोंक दीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 540 का स्कोर लाना बेटा एक कमाल का स्कोर है, डायलॉग्स मारना अलग चीज़ है, लोग 360 और 340 की लड़ाई लड़ते रहते हैं, जबकि मैं बहुत जोर दे के इस बात पे समझाता हूँ अमन अक्सर कि बेटा इसका कोई फायदा बहुत नहीं निकलने वाला। इवन जिनका अब आगे है रिजल्ट वो SSB देने जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो गिव द एक्सपीरियंस, ये भी एक तरह का क्या देगा, एक्सपीरियंस देगा, बट फाइनली आप भी अमन समझते हैं, हम भी समझते हैं, मेरिट इन होने के लिए आपका स्कोर कहीं ना कहीं 450 या 450 से अब रिक्वायर्ड होता है। 400 में भी हो जाता है, इसी कोई बात नहीं है, बट एग्जैक्टली हम श्योर शॉट गेम खेलें और उसमें रिटर्न स्कोर ही आपको सरप्लस करता है। तो आपके माध्यम से, क्योंकि 4 सितंबर का बच्चों का एग्जाम है, बताएं क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएं, मतलब सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर में क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? सर क्या था कि मेरा मैथ अच्छा नहीं था, तो JK सर ने बताया कि तुम JAT में अच्छा कर सकते हो, और यहाँ जो टेस्ट दिया था उसमें हमारी एक बार रैंक यही 11th आई थी और सेकंड में वो रैंक सेकंड आई थी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। नो सर, ये यहाँ क्लास में यूनिट टेस्ट में, ठीक है। तो JAT अच्छा था, सर ने बोला तुम JAT पे फोकस ज्यादा करो, हालांकि मैथ उतना पढ़ लो कि तुम निकल जाओ जी। तो मैंने JAT फोकस ज्यादा किया। तो हाँ, JAT में एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, तो लड़कों को बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ जैसे कमी है तो जरूर नहीं उसके पीछे ही लग जाओ कि नहीं मैथ ही पढ़ना है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और सिलेबस तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो नहीं, लिमिटेड रखो, उतना ही पढ़ लो बेहतर रहेगा। कल एक डिस्कशन और भी हो रहा था जब मैं बैठा था, एक बच्चा मेरे साथ था कल जिसके साथ हरिशंकर के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो उस बच्चे ने इस बात को शेयर किया कि सर कभी कभी क्या होता है लोग एक ही सब्जेक्ट के पीछे मर जाते हैं और उसी में हो जाती है सारी दिक्कत। अगर हम हर सब्जेक्ट में एक प्रॉपर बैलेंस बनाए हैं और हमने प्रॉपर स्टडीज की हैं तो चीज़ों को बेहतर करना इतना भी टफ नहीं है सर, एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ओके, तो जैसे कि बात किया जाए JAT में GS पार्ट काफी वास्ट हो जाता है, तो कैसे काम किया आपने, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने, जो किताबें थी आपकी कोचिंग से जो मिली थी उन्हीं को बार बार दोहराया, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट होते ना वो दिए थे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जी। तो हाँ, और भी सॉल्व कर दिए तो लगता था हाँ हो जाएगा। मैं इस बात को बड़ा स्ट्रांगली पॉइंट आउट भी करता हूँ, बच्चे अक्सर एक प्रश्न बड़ा स्ट्रांग पूछते हैं कि सर कोई बुक सही सजेस्ट कर दें, सर क्या ऐसा कर लें। एक्चुअली क्या है बेटा, बातें ज्यादा हो रही, काम कम हो रहा है। तो इस बार भी मान के चले कि आपका 530 एंड 540 का स्कोर आ जाएगा। JAT में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे? अटेम्प्ट नहीं सर, नंबर्स जोड़े थे तो यही कहीं 420-430 के करीब बन रहे थे आपके JAT पार्ट में। 110 नंबर मैथ में थे। बढ़िया यार, ये तो बेस्ट स्कोर है। इस बार फिर से आपको एयरफोर्स बोर्ड बुलाएगा, हो सकता है कि बनारस बोर्ड ही इस बार फिर से आपको क्या हो मिल जाए जिसको आप बेहतर कर पाए। ओके, नाउ एक अच्छी सी जर्नी आपकी रही होगी ड्यूरिंग SSB भी। तो कहाँ
जहाँ आपको कहीं तो लगा होगा अमन कि यार यहाँ मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, कुछ तो कसक आ। देखो एक बात अमन समझो कि हमसे ज़्यादा बच्चा हमारा रिजल्ट कोई नहीं समझता है और हमसे ज़्यादा हमारी गलतियों को कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो कहाँ वो चीज़ महसूस हुई आपने? सर मुझे GAT में लगता है कि मैंने उतना नहीं कर पाया इतना मैं करना चाहिए था मुझे। और बेस्ट कर सकते थे आप। यस सर। ठीक है, SSB के दौरान आपको कहाँ रियलाइज हुआ कि आप में साइकोलॉजी स्क्रीनिंग GTO, चलो स्क्रीनिंग पार्ट तो आप स्क्रीनिंग हो ही गए बट साइकोलॉजी इंटरव्यू और GTO की बात करें, कहाँ आपको लगा कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए? हाँ सर, जैसे यूजुअली लिखते हैं अब यहाँ स्टोरी लिखते अच्छी लिख ली तो वहाँ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है और हाँ, लेकिन थोड़ा जैसे एवरेज लिखते थे हम जितना उतना नहीं रह पाए इंटेंसिटी, मतलब जो लेवल ऑफ स्टोरीज चाहिए था वो चीज़ें उसमें नहीं आती क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ प्रेशर तो होता है और इसी प्रेशर में तो आपको परखा जाता है। कहते हैं कि जो है मूर्त ऐसे नहीं बनती है, पत्थर की बड़ी कुटाई होती है, कुंदन ऐसे नहीं बनता है, उसकी बड़ी कुटाई होती है, उसमें बड़ी आग लगाई जाती है तब जाके वो रियल में कुछ तैयार होता है। फिर जिंदगी का भी हिस्सा है बेटा, ये केवल कहानियाँ नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप इतने मेच्योर हैं कि इन बातों को महसूस करें। अच्छा, जिस गाँव विशेष से आप आते हैं तो वहाँ फौज की तैयारी करने वाले और भी बच्चे हैं? यस सर, बहुत से लड़के अधिकतर फौज की तैयारी करते हैं। चलिए, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा टीचर हैं। पापा टीचर हैं, पापा टाइट रहते होंगे हमेशा? नो सर, वेरी सॉफ्ट। अच्छा वेरी सॉफ्ट, मतलब अभी खुश हैं इस बार? हाँ, सपोर्ट पूरा रहता है परिवार का? कितने भाई बहन है? एक बहन है एक भाई है। अच्छा, छोटा भाई है कि बड़ा है? छोटा है। चलिए, आप सबको प्रेरणा बनना है अमन, आपको सबके लिए, एंड वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव विथ यू। और अमन आज हम आज एक आपके इंटरव्यू के माध्यम से रियलाइज कराना चाह रहे थे लोगों को कि जिंदगी का नाम हारना नहीं होता, जिंदगी का नाम क्या होता है? आगे बढ़ना होता है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस बार रिकमेंड हो बच्चा, और जिस तरह सबका इंटरव्यू, आप तो सबको जानते भी होंगे क्योंकि आपके कलीग ही रहे होंगे। हाँ सर, क्योंकि इंटरव्यू बैच में आपको SSB के बैच में MKC में तो सब मिले ही होंगे। आदित्य के साथ मिला था मैं। सब मिले होंगे तो अच्छा लगता है ना, सब अपने दोस्त हो जाते हैं सर। बहुत बहुत खुशी मिलती है। खुशी मिलती है, दुख भी होता है कि काश मैं भी हो गया होता, मेरा नंबर क्यों रुक गया। बट कोई नहीं, उसके लिए प्रयास करना धर्म है आपका। ह्यूमन नेचर है और होना भी चाहिए। आई थिंक ये एक कॉम्पिटिटिव भावना है। जब आप ये सोचने में सक्षम हो जाए यार कि मैं भी हो सकता हूँ, मेरा दोस्त हुआ है, क्या मुझ में कमी है, इंट्रोस्पेक्शन को लेकर के काम करना बहुत जरूरी है। और वो करेंगे तो आप बेहतर जाएंगे बेटा, और इस बार बेहतर करेंगे। और ऑब्वियसली इस बार जब इंटरव्यू लूँ तो रिकमेंडेड कैंडिडेट के तौर पर लूँ। एंड आई थिंक नेशनल डिफेंस एकेडमी की शान बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि MKCN का पूरा एक वहाँ पे जत्था बनता जा रहा है। तो जब सभी जाते हैं तो सारे सीनियर्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? ये तो प्लस पॉइंट होता है कि अगर सीनियर उधर अपने एकेडमी के हों तो मजा आ जाता है। हाँ, क्योंकि एक प्रेम बन जाता है ना। अब जैसे जितने भी जाते हैं यहाँ से तो सीनियर तो सब यहीं, जैसे 147 में गए मान लो 15-20 लोग गए हैं, तो 148 में भी जा रहे हैं, फिर 149 में भी जा रहे हैं, तो वन सेमेस्टर बिफोर गए ना वो बोलो, उनसे सीनियर से ज्यादा फ्रेंडशिप ज्यादा हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है और हमेशा सपोर्ट करते हैं भाई अपने एकेडमी का है, MKC का है यार, तो एक वो भी चीज बनती है, तो कनेक्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। मुझे लगता है कि वो बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि वहां पे जो आपके सीनियर है ना बच्चा, वही फादर है, वही मदर है, वही ब्रदर है, क्योंकि और कोई होता ही नहीं एग्जैक्टली उनके अलावा, हर सुख दुख सुनने के लिए और हमको सही करने के लिए। तो दैट्स ग्रेट थिंग, और आशा करता हूँ इस बार आप कमाल करेंगे। एंड आई नीड बेस्ट फीडबैक फ्रॉम एवरीवन। जान लगा दीजिए बेटा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन मॉक दीजिए, पूरा समय है आपके पास। इस बार कहते ना कि 100% सर SSB पे झोंक दूंगा। इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स ऑन द टैग पार्ट बेटा, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस, इंप्रूव द स्किल्स, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, एक्सेंट, एवरीथिंग नीड टू वर्क कंटिन्यूअस फॉर द कंटेंट, फॉर द इंटेंट, फॉर द इन्फॉर्मेशन, वट एवर इज हैपनिंग सराउंडिंग नेशनली इंटरनेशनली, यू नीड टू कवर एवरी प्रोस्पेक्टिव इन द राइट वे। दिस इज ऑल अबाउट वट एक्जैक्टली टू डू। तो बहुत मजा आया मन आपसे बात करके, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, एंड बिल्कुल आप सबको भी मजा आया ही होगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, जो 4 सितंबर का एग्जाम है, फटाफट उसके लिए बैचेस स्टार्ट कर ही रहे हैं हम लोग, तो फटाफट आ जाओ तेजी के साथ, ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, कुछ कमाल करते हैं और आपको बेहतर बनाते हैं। अमन कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप बच्चों के लिए? ये कहना चाहते हैं पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और इस बार अगला वाला फोड़ दीजिए। बिल्कुल फोड़ दीजिए। चलिए, विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद जय भारत।